हेलो गाइस, तो आज का व्लॉग लेट चालू कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1:15 हो रहे हैं। मैं परसों का व्लॉग एडिट कर रहा था, तो 2 व्लॉग एडिट करने बाकी थे, जैसे मैंने बताया था आपको पिछले वाले व्लॉग में। तो 7 अगस्त और 8 अगस्त सैटरडे संडे जो फैमिली ट्रैक वगैरह किया था, उसका व्लॉग एडिट करना बाकी था, तो वो अभी एडिट कर लिया है मैंने और अभी वो रेंडर हो रहा है। तो फिर आज का दिन शुरू करते हैं। थोड़ा लेट हुआ शुरू, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया मेरा, और जो चेन लूप पेंडिंग है इतने दिनों से, वो आई गेस आज इसका मुहूर्त लगेगा, आज चेन लूप हो जाएगा गाड़ी को, क्योंकि वो करना ज़रूरी है। चेन से आवाज़ भी आ रही है थोड़ी, तो चेन लूप भी कर लेते हैं, और कुछ थोड़े बहुत काम भी हैं। और पुणे में गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस लूजन हो गए, तो मंडे से, यानी आज ट्यूसडे है, 9 अगस्त से जो सारे शॉप्स है जो 4 बजे तक खुले रहते थे इवनिंग में, वो अभी 8 बजे तक खुले रह सकते हैं शाम को। और रेस्टोरेंट वगैरह उनको डाइन इन के लिए परमिशन दे दी है, तो कुछ फ्रेंड से मिलना है, तो वो भी देखते हैं आज कैसा शेड्यूल जाता है। और हर बार इंट्रो देना भूल ही जाता हूँ मैं। तो हाय गाइस, माय नेम इज़ शुभम एंड यू आर वॉचिंग स्टेल्थ ब्लैक राइडर। और एक चीज़, मतलब आज व्लॉग लेट करने का और एक रीज़न ऐसा था कि मेमोरी कार्ड फुल हो गया था गोप्रो के अंदर का। मैंने डेटा तो पूरा कॉपी करके लिया अपने पीसी में, लेकिन जब तक व्लॉग एडिट नहीं होता, मतलब दूसरा वाला, तब तक मेमोरी कार्ड फॉर्मेट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलमोस्ट कुछ 10 या 15 मिनट का फुटेज शूट कर सकता, इतना ही बचा हुआ था। तो इसके लिए फिर मैंने रिस्क नहीं लिया, बोला पहले व्लॉग एडिट करते हैं, पूरा रेंडर करते हैं, सब ठीक हो जाएगा तो एक मेमोरी कार्ड फॉर्मेट करेंगे। तो हो गया, वो अभी रेंडर चल रहा है, तो अभी वो रेंडर में कितना 32 मिनट्स दिखा रहा है, तो व्लॉग भी बड़ा है, ऑलमोस्ट 15 मिनट का व्लॉग है। तो अगर आपने वो देखा नहीं है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और वो व्लॉग का डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वो भी जाके चेक कीजिए। तो देखते हैं, अभी आज के दिन की शुरुआत करते हैं। दोपहर की मस्त नींद मार के उठा हूँ, तो अभी 4:30 हो रहे हैं, तो मैं ऑलमोस्ट 3-3:15 बजे सो गया, एक 1.25 घंटे की नींद हो गई अच्छी खासी। देखो ब्लैंकेट अभी भी ऐसे ही पड़ा है, उसको फोल्ड नहीं किया, अभी जस्ट उठा। और अभी और काम है, तो मम्मी ने बोला था लंच के बाद शॉपिंग के लिए जाना है, तो थोड़े क्लाउड्स आए थे तो बारिश आएगी, इसके चक्कर में फिर मैं सो गया। तो अभी फ्रेश होता हूँ, और जो पिलो कवर वगैरह वो ख़रीदना है बेड के लिए, तो वो ख़रीदते हैं। फिर और शाम को एक काम है, अगर वो हुआ तो सही है, देखते हैं, मतलब एक को मिलना है, तो बताते हैं आपको आगे क्या होता है। तो आ गया शॉपिंग करके मैं, तो अभी ऑलमोस्ट 7:30 बज रहे हैं, तो अभी एक फ्रेंड को मिलने जाना है, तो बेसिकली वो US जा रहा है, तो अभी और एक फ्रेंड आ रही है, तो उसको पिक करके मेरे यहाँ से उसको मिलने जाना है, तो देखते हैं अगर हो सका तो उनको मिलाते हैं आपसे। और उसके अलावा तो और कुछ नहीं है, शॉपिंग की रेगुलर अपने बेडशीट और पिलो कवर के लिए, क्योंकि ये थोड़ा ऑड साइज़ है ना, तो इसके लिए मिलता नहीं है कस्टम मेड बेड है, तो इसके लिए बेडशीट और पिलो कवर की शॉपिंग करके आए। तो अभी चेन लूप तो आज भी नहीं हो पाया मेरे ख्याल से, कल करूँगा मैं सुबह नहाने से पहले, देखते, क्योंकि आज सोने में और बाकी काम करने में ही निकल गया, शॉपिंग वगैरह करके आने में। और ये घर से निकलते ही ट्रैफिक, देखो जो अपने घर के बाहर का मेन सिग्नल है, तो पीक आवर्स में इवनिंग टाइम निकलने का यही एक ड्रॉबैक है, बहुत ट्रैफिक मिलता है यहाँ पे। बाकी दिन में तो कुछ होता नहीं है ज़्यादा, लेकिन इवनिंग टाइम का बहुत प्रॉब्लम है, वर्किंग आस यहाँ से पूरा भोसरी साइड से, MIDC के लोग आते हैं ना, चाकन वगैरह साइड से, तो पूरा ये मेन अभी कनेक्टिंग बड़ा रोड हो गया है, जिसको ऐसे ट्रैफिक होती ही है। तो मेरे ख्याल से निकल जाएगा, अभी सेकेंड टाइम रुका है सिग्नल पे मैं। गुड मॉर्निंग, तो आज है अगला दिन, तो कल कुछ ज़्यादा चीज़ें की नहीं, तो आज मैं अभी उठ गया था 8:30 बजे, अभी 9:30 बज रहे ऑलमोस्ट। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत, चैन लूप तो किया नहीं कल भी। हाँ, और जो दोस्त को मिलने गया था, जो मैं ट्रैफिक का दिखाया आपको, तो दोस्त को मिल के आया मैं, तो वो फ्लाई कर चुका, अभी वो US जा रहा था हायर एजुकेशन के लिए, तो वो निकल चुका होगा, उनको दिखाया नहीं, दे वर नॉट कम्फर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तो उनको दिखाया नहीं मैंने, मतलब शूट ही नहीं किया वहाँ पे मेनली। तो
तो देखते फिर, अभी चेन लूप भी करना है, वो चल ही रहा है पिछले 10 व्लॉग से, मैं बता ही रहा हूँ चेन लूप करना है, चेन लूप करना है, आज कर लेंगे। और कल एक सरप्राइज भी है, मतलब कल कहीं ट्रिप पे जाने वाला, तो देखते हैं फिर, अगला व्लॉग देखिए उसके लिए कहाँ पे जा रहा हूँ मैं। तो फाइनली गाड़ी को चेन लूप करने का गोल्डन मोमेंट आ गया। तो ये रही अपनी गाड़ी और ये रही चेन की कंडीशन, पूरी पूरी तरीके से ड्राई हो गई। और ये अपने ल्यूब्स, तो मैं मोटूल का यूज़ करता हूँ, ये चेन क्लीन है। और ये है चेन ल्यूब, और ये रहा क्लीनिंग ब्रश। तो चालू करते हैं, अब देखिए टाइम लैप्स में। अभी चेन क्लीन मारा है, थोड़ा ब्रश से क्लीन कर लिया, तो अभी रुकते हैं, थोड़ा ड्राई हो जाएगा, फिर से ब्रश से क्लीन करके फिर उसको चेन ल्यूब मार के छोड़ देंगे। तो चेन ल्यूब हो गया फाइनली। तो ये रही चेन के बाद, अच्छी खासी चमक रही है, गाड़ी को भी कवर करके रख दिया है। तो अभी चलते ऊपर, और एक काम है, तो अपनी जो कार है उसके टायर चेंज करने हैं। उसके एक टायर में जो मैंने कहा था पंक्चर हो गया था, तो उसमें एक छोटा सा कुछ बबल आया, बल्क आया, तो फिर उसके वजह से वो टायर चेंज करना पड़ेगा कम्प्लीटली। तो चलते देखते, अभी थोड़ी देर में वही निकलना है। तो मैं अभी निकल गया, टायर चेंज करने हैं, गाड़ी में 2 टायर डालने हैं। तो पहले लाइक गाड़ी में 4 टायर होते हैं और एक स्टेपनी होती है एक्स्ट्रा, तो स्टेपनी भी चेंज करनी है। स्टेपनी पुराने वाले सेट की थी और टायर भी इसमें चेंज किए थे, अभी उसमें से एक टायर को एक छोटा सा कुछ बबल आया, तो उसकी वजह से इट्स रिस्की टू यूज़, तो वो टायर चेंज करना है, स्टेपनी का चेंज करना है। क्योंकि एक टायर चेंज करोगे तो प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि व्हील बैलेंसिंग में और वगैरह चीज़ों में प्रॉब्लम आता है ड्राइविंग एक्सपीरियंस में। तो मेनली आगे के 2 टायर चेंज हो गए, और जो इसमें का स्पेयर अच्छा वाला है वो स्टेपनी पर लगेगा। तो अभी स्टेपनी पर चल रही है गाड़ी, तो जाते फटक से टायर चेंज करा था। अभी मैं रुका हूँ यहाँ पे, एक छोटा सा काम है वो करके आता हूँ, और फिर मिलते हैं टायर शॉप पे। तो आ गया मैं यहाँ पे, गाड़ी के टायर चेंज हो रहे हैं। तो ये रहा पीछे, उन्होंने स्टेपनी लगाया, टायर निकाल दिए आगे के। तो अभी इनके पास कुछ लाइट का प्रॉब्लम है गैस, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा बोल रहे हैं, टायर निकालने चढ़ाने में उनके इक्विपमेंट्स में टाइम लग रहा है। तो ये है एक टायर, और वो एक टायर है चेंज कर रहे, और ये 2 नए टायर लगेंगे। अभी लाइट आ गई, ये लोग काम कर रहे हैं, बहुत यहाँ पे आवाज़ है। टायर का काम हो गया, निकल गया मैं, तो अभी उसमें और एक काम ऐड हो गया है, तो वो अभी इतने प्रायोरिटी पे नहीं है, जो शॉक अब्जर का बुश माउंट होता है, शॉक अब्जर की भी प्रॉब्लम है, और बुश माउंट का भी उन्होंने बोला कि प्रॉब्लम है, टायर जो फिट कर रहे थे उनको प्रॉब्लम दिखा, तो उन्होंने बताया वो चेंज करवा लो। तो अभी देखते हैं, कल की एक ट्रिप कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद वो करेंगे। नेक्स्ट वीक भी जाना है बाहर, अगर उससे पहले या फिर उसके बाद, देखते हैं कैसी होती है चीज़ें। अभी उसका भी अच्छा खासा खर्चा होगा, अभी ये टायर के अच्छा खासा खर्चा हो गया। तो अभी यहाँ पे कन्नू की चाय पे आए, और ये देखो कौन है अपने साथ। सैड क्यों इतने, हंस थोड़ी। तो अभी प्लानिंग करनी है कल के ट्रिप की, तो इसके लिए मिले कल की चाय में, कॉफ़ी पियेंगे हम अभी। और तूने क्या मांगा है? एग राइस, मज़े है तेरे। और ये भूखी समृद्धि खाना खाते हुए। तो अभी चाय पी रहा हूँ मैं, तो जैसे ही मैं वहाँ से आया कन्नू की चाय से के सो गया, और सर दुखने लग गया था मेरा, अभी नींद से उठा हूँ तो सर दुखने लग गया। तो अभी थोड़ी चाय पीते हैं, फिर कल के ट्रिप की तैयारी करनी है, पानी के बॉटल वगैरह लाने हैं। तो मैं बॉक्स लेके आया पानी का, ये रहा, तो इसमें बेसिकली 12 बॉटल होते हैं, तो भी यहीं पर रखते हैं, क्योंकि कार तो भाई लेके गए,
तो जैसे वो आएगा उसमें रख देते हैं, कल सुबह निकालना है अपने को। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के ऑलमोस्ट 7:45 बज रहे हैं, तो मैंने जो अभी चाय पी, आपने इसके पहले वाले इसमें देखा, तो चाय पीने से मेरे को एसिडिटी हो गई। तो बेसिकली चीज़ ऐसी हुई कि मैं वहाँ से आया दोपहर को, सो गया अच्छा खासा, 1.5 घंटे की नींद हुई, और जैसे नींद से उठा तो मेरे को सर दर्द कर रहा था, तो मैंने चाय बनाई, चाय पी ली कप भर के, और फिर चाय पीने के बाद आई गेस एसिडिटी हो गई उसको, ऐसे मतलब मेनली मेरे को चाय पीने से एसिडिटी होती है, तो अभी डाइजेशन प्रॉब्लम भी हो गई, तो ठीक है अभी कर लेंगे उसको एडजस्ट। पानी की बॉटल भी लेके आया हूँ मैं, तो अभी गाड़ी भी आ गई है तो उसमें पानी की बॉटल रख देते हैं और बैग पैक करने के लिए लेते हैं। ये वाला व्लॉग भी एडिट करना है, तो 2 दिन का व्लॉग हो गया ये, तो एडिट करते हैं इसको और अपलोडिंग पे लगा के कल का शेड्यूल करके सो जाते हैं, क्योंकि कल सुबह जल्दी निकलेंगे। तो कल का व्लॉग ज़रूर देखिए मैं कहाँ जा रहा हूँ घूमने के लिए, क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छा है। तो मिलते हैं फिर कल के व्लॉग में, रखते हैं ये व्लॉग, सो स्टे सेफ और मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।